हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी स्किन के हिसाब से सही कंसीलर कैसे चूज करें। तो इसका तरीका भी बिल्कुल फाउंडेशन जैसा ही होता है। कंसीलर में भी बहुत सारे शेड्स आते हैं। इसमें भी तीन कैटेगरीज होती हैं, लाइट, मीडियम और डार्क। तो इन तीनों कैटेगरी के हिसाब से आपको चूज करना होता है कि आप फेयर हैं या आप मीडियम हैं, या मीडियम में आप मीडियम टुवर्ड्स फेयर हैं, या फिर डार्क हैं और डार्क में भी आप बहुत डार्क हैं, या फिर आप टुवर्ड्स वीटिश या टुवर्ड्स गेहुआ हैं। तो इस तरह से आप कंसीलर चूज कर सकते हैं। दूसरी बात, आपका जब भी आप कंसीलर लेने जाएं तो आप ये ध्यान में रखें कि कंसीलर आपका फाउंडेशन से बिल्कुल मैच करता हुआ होना चाहिए, अगर आपको अपने स्पॉट्स हाइड करने हैं तो। क्योंकि दो तरह से आप कंसीलर ले सकते हैं। एक तो आप अंडर आईज, अगर आपको ज्यादा ब्राइट करना हो, जो कि इस तरह का मैंने लिया है, तो ये वाला जो शेड है ये मेरे स्किन टोन से दो शेड लाइटर है, तो इसको मैं हाईलाइट करने के लिए यूज करती हूँ। और यहाँ पर आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि हाईलाइट और हाईलाइटर दोनों में फर्क होता है। हाईलाइटर जो यहाँ मैंने किया हुआ है, जो ये शाइन करा है एरिया यहाँ पर नोज पर, हल्का सा क्यूपिड्स बो वगैरह पे, जैसे आपने हाईलाइटिंग वाले वीडियो में मेरे देखा होगा, तो हाईलाइटिंग और कॉन्ट्योर एंड हाईलाइट ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें मैं बात कर रही हूँ कॉन्ट्योर एंड हाईलाइट के बारे में। तो कॉन्ट्योर करना आपको जरूरी नहीं है, लेकिन अभी हम कंसीलर की बात कर रहे हैं, तो कंसीलर से हम किस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए आपको ये चाहिए होगा इस तरह का, अपने स्किन टोन से दो शेड लाइट कंसीलर, जिसको कि आप अंडर आईज, यहाँ फोरहेड के बीच में, नोज पर और यहाँ चिन के ऊपर, और इस जगह आप यहाँ पर इसको लगाते हैं, तो ये आप उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। लाइट वाला कंसीलर बेसिकली मैं लगाती हूँ जब भी मुझे आईज के नीचे थोड़ा सा ब्राइटन अप करना होता है। दूसरा कंसीलर है जो कि मेरे स्किन टोन से बिल्कुल मैच करता हुआ कंसीलर है, इसको मैं लगाती हूँ जो भी मेरे स्पॉट्स वगैरह हैं उनको हाइड करने के लिए। दूसरी एक और बात आपको ध्यान में रखनी जरूरी है कि अगर मान लीजिए आप ये लाइट वाला कंसीलर लेने जा रहे हैं अंडर आईज वगैरह में और हल्का फुल्का हाईलाइट करना आप चाहते हैं, और आपके डार्क सर्कल नहीं है, उस केस में ये बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये वाला जो है ये बहुत ही थिन है। अगर आपके डार्क सर्कल ज्यादा हैं, उस केस में आपको फुल कवरेज या मीडियम कवरेज आपको लेना चाहिए, और उसको लगाने से पहले आपको जरूर एक ऑरेंज कलर का करेक्टर लगाना चाहिए, उसके बाद आपको कोई मीडियम या फुल कवरेज कंसीलर लगाना चाहिए, तब वो आपके हाइड हो जाएंगे। ये जो कंसीलर है जो कि आपकी स्किन से मैच करता हुआ है, इसको आप एवरीडे में कभी भी लगा सकते हैं, जबकि लाइट वाला जो कंसीलर है जो कि आईज ब्राइटन अप करने के लिए ज्यादा अच्छा रहता है, इसको आप अगर नाइट टाइम में लगाइए जहाँ पे लाइट्स वगैरह हो, तब ये ज्यादा अच्छा लगता है। तो एवरीडे में आप इसको लगा सकते हैं, और वैसे आप शाम को या पार्टी में या ऐसे कहीं भी आपको जाना हो तब आप ये लगा सकते हैं, जब आपको थोड़ा सा ज्यादा ग्लैम अप करना हो, थोड़ा सा ब्राइटन अप करना हो आई एरिया, तब आप इसको लगा सकते हैं। इसको मैंने लगाया है जैसे कि यहाँ पे मैंने लगाया है, और जहाँ कहीं भी हल्के फुल्के स्पॉट्स हैं, या अगर आपके थोड़े ज्यादा स्पॉट्स भी हैं उनको कवर करने के लिए कंसीलर जो कि आपकी स्किन टोन से बिल्कुल मैच करता हुआ हो, तो आपके स्पॉट्स वगैरह हाइड हो जाते हैं। तो दो तरह से कंसीलर आप यूज कर सकते हैं, उसका मैं तरीका आपको बताऊंगी। दूसरे दो तीन तरीके, चार तरीके मैं आपको और बताऊंगी कि अगर आपके आपके पास कोई चीज नहीं है या कुछ चीज है, या कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो ये मेरा फाउंडेशन है और अब मैं कंसीलर लगाऊंगी, और आप देख सकते हैं कि ये दोनों बिल्कुल सेम से ही हैं। और अगर आप दुकान पर ऐसा नहीं कर पाते हैं कि दोनों को इस तरह से आप चेक करके देख लें, तो अच्छा ये रहेगा कि आप अपना फाउंडेशन अपने साथ में ले जाएं, और तब आप ऐसे साथ में रख के मिला के चेक कर सकते हैं कि शेड्स आपके सिमिलर हैं कि नहीं, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। और अभी आप जैसे देख रहे हैं कि जहाँ पे भी हल्के फुल्के स्पॉट्स या ऐसा कुछ है, तो वहाँ पर मैं इस कंसीलर को लगा रही हूँ, क्योंकि ये स्किन से बिल्कुल मैच करता हुआ है। और इसको लगाने का तरीका यही अच्छा है कि आप इसको उंगली से ही हल्का हल्का सा डैब कर लें, क्योंकि ब्रश से लगाने पर काफ़ी सारा प्रोडक्ट ब्रश में ही निकल जाता है और अच्छे से आ नहीं पाता। तो इसके ऊपर अब मैं हल्का सा लूज पाउडर लगाऊंगी,
तो लूज पाउडर में क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो वो अच्छे से लॉक कर देता है कंसीलर को और बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस देता है। और इसको लगाने के बाद कम से कम 1 से 2 मिनट आपको 2 मिनट आपको छोड़ना है और उसके बाद हल्के हाथ से इसको इस तरह से हटा लीजिए तो आप देखेंगे कि स्पॉट्स दिखने बिल्कुल कम हो गए हैं। और अब मैं इसी को ही अंडर आई आपको लगाकर दिखाऊंगी। तो इसमें आप देखेंगे कि एज सच कोई ब्राइटन अप सा नहीं हो रहा है, खाली आपके अगर डार्क सर्कल हैं या हल्की फुल्की डलनेस है वो आपकी बिल्कुल निकल जाएगी। और हल्का सा लूज पाउडर ही मैंने लिया है और उसी से ही मैं कंसीलर को सेट कर रही हूँ और तुरंत तुरंत ही कर देना चाहिए वरना ये जिसकी क्रीज ना हो पाए और डिफरेंस आप देख सकते हैं। अब दूसरी आई पे एक शेड लाइटर वाला कंसीलर मैं लगा रही हूँ तो दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं कि ये आँख थोड़ा ज़्यादा ब्राइटन अप सी लगने लगेगी। तो आप देख सकते हैं और इसी को ही अब मैं फोरहेड पे जहाँ जहाँ पे भी हल्का फुल्का सा हाईलाइट करना होता है जो मैंने आपको पहले बताया था तो उस तरह से मैं अब आपको करके दिखा रही हूँ। ऑल्दो ये करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है लेकिन इस तरह से करते हैं तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा कंसीलर आप लगाएंगे फेस पे उतना ज़्यादा केकी होने का चांस भी होगा। तो आप इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप अलग से जो कॉन्टूर किट आती है उसमें भी होता है तो आप उसके थ्रू भी वैसे कर सकते हैं। और हल्का सा कॉन्टूर मैंने किया था और अब जैसे आपने देखा कॉन्टूर के साथ में जो पाउडर आता है अगर आपके पास लाइट वाला ये कंसीलर नहीं है तो आप उस पाउडर को भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो भी थोड़ा सा लाइट होता है शेड में। तो आप देख सकते हैं कि वो भी बिल्कुल सेम काम करेगा। और अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप कॉन्ट्यूर किट में से अपनी लाइट वाला शेड आप यूज़ कर सकते हैं या फिर जो भी आपका स्किन टोन है आप उस हिसाब से शेड ले सकते हैं। तो थोड़ा सा लाइटर शेड आप आईज़ के नीचे लगा सकते हैं। तो कंसीलर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और इसको भी मैंने लूज पाउडर से ही सेट कर दिया है, आप चाहें तो कॉम्पैक्ट वगैरह भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और अब ये मैं दिखा रही हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से वी मत बनाइए क्योंकि जितना ज़्यादा कंसीलर आप चीक्स तक आप फैला देंगे वो तुरंत आपका मेकअप बहुत ही केकी कर देगा। तो इस तरह से कंसीलर मत लगाइए। तो होपफुली आपको अच्छा लगा हो वीडियो और अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।